हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली ये वीडियो आप अगर देख लोगे तो आपको इधर उधर किसी भी चीज़ को लेकर के भागना नहीं पड़ेगा कि हमें इस चैनल पे देखना है या हमें इसकी साइट पे जाके देखना है या हमें कहीं किसी से पूछना पड़ेगा। कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बचेगा नहीं, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे है। मैं आपके जो आप लाइव सेशन में पूछ रहे थे या फिर जो आपने ऐसे कमेंट बॉक्स में पूछा है, हर एक एक और या फिर जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे, सबके आंसर इस वीडियो में दूंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो अगर आपको 2x मोड पे लगाना है तो लगा सकते हो। वैसे भी आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा फास्ट ही बोलती हूँ, तो इस वीडियो में बेसिकली आराम आराम से मैं सबको समझाऊंगी और कोई भी कन्फ्यूज़न मैं रहने नहीं दूंगी। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करने वाली हूँ। सो, इसमें आपको मैं पहले ही बता दूँ कि इस यूनिवर्सिटी की मैं एक्स स्टूडेंट रही हूँ, तो इसके बारे में मुझे आइडिया थोड़ा सा ज़्यादा है। प्लस जो भी चीज़ें मुझे कन्फ्यूजिंग लगी या जिसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न थी, वो मैंने कॉल करके बात करके सारा सब कुछ अपनी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लिया है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट के बारे में। तो उसका मेरिट लिस्ट कल से अपडेट मिल चुकी है, कि कल उसने बोला था कि मेरिट लिस्ट अपडेट हो जाएगा। शेड्यूल उसने आउट कर दिया था कि राउंड वन कब शुरू होगा, राउंड टू कब शुरू होगा, फीस कब सबमिट करनी पड़ेगी, प्लस आपकी वैकेंट सीट की जो लिस्ट है वो कब तक आ सकती है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न जो हो रही हैं, उन सारी कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। मेरिट लिस्ट से रिलेटेड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको करेंगे। रिजर्वेशन किसको किसको मिलता है उसके बारे में, पेड कोर्सेज कौन कौन से हैं, कितनी फीस लगती है, ओबीसी को जनरल कैटेगरी में गिना जाता है, ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये पूरा यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें बताऊँगी वो एग्जैक्ट रहेंगी। वो एनालिसिस भी नहीं कर रही हूँ मैं या कुछ भी प्रीवियस रिकॉर्ड का नहीं, सब कुछ रियल और सब कुछ एग्जैक्ट रहने वाला है, क्योंकि जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न थी, हर एक कन्फ्यूज़न मैंने कॉल करके बात करके क्लियर कर ली है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। आपको इत्मीनान से बैठ जाना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें आप देख लो, मैंने स्कॉलरशिप को लेकर के प्लस रिजर्वेशन को लेकर के, यहाँ पे फैकल्टी कैसी है, हर एक एक चीज़ के लिए यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, आप खुद से देख सकते हो। अलग से इसमें जो कोचिंग कराई जाती है यूपीएससी की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो यहाँ पे फीस हो गई, यहाँ पे प्रोग्राम्स हो गए, प्रोग्राम में जो नए प्रोग्राम्स अवेलेबल कराए गए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस यहाँ पे प्लेसमेंट्स जो हैं उसको हम प्रूफ दिखाएंगे, पूरी तरह से मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगी कि प्लेसमेंट कितना एलपीए तक जाता है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, कैसे आपको यहाँ पे, मतलब जो आप कंपनी चाह रहे हो वो कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाता है। कैंपस आउटिंग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्लस यहाँ पे जब आप आते हो, यहाँ गेट नंबर 1, 2, 3 हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, किसको निकलने दिया जाता है, किसको नहीं, घर जाते हो तो कैसे जाओगे आप, एप्लीकेशन देना पड़ेगा या ऐसे भी जा सकते हो। हॉस्टल के बारे में बताएंगे कि कैसे, क्या यहाँ पे बेड है, क्या यहाँ पे आपका टेबल है, क्या यहाँ पे मेस का है, क्या इतनी फीस है, रिव्यूज़ क्या क्या हैं, और यहाँ पे हॉस्टल में कैसे अप्लाई करोगे और आपको कितने नंबर पे या फिर किन किन बच्चों को इसमें एडमिशन मिलता है हॉस्टल में। लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगी, लाइब्रेरी जैसा कि मैंने बोला था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात लाइब्रेरी है। सेंट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ की लाइब्रेरी बिल्कुल बहुत सही है, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इसका लाइब्रेरी लगा। वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बुक चाहिए सब कुछ अवेलेबल रहता है। स्पोर्ट्स के बारे में बताऊँगी, यहाँ पर स्पोर्ट्स डे अवेलेबल होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स डे आपको कराए जाते हैं, उसके लिए आपकी फैकल्टी दी जाती है, आपको स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। प्लस वहाँ पे जिम भी अवेलेबल हैं, जिम पहले लाइब्रेरी में ही था जस्ट नीचे, और अब जिम के लिए अलग एक बिल्डिंग में प्रॉपर जिम बनाया गया है, किसके लिए क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे। कैंटीन भी यहाँ पे है, कैंटीन का प्रोसेस क्या है, बैंक है यहाँ पे, अब अगर आप बैंक में यहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो बैंक भी यहाँ पे अवेलेबल है। रिजर्वेशन पॉलिसी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी एक एक चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर करूँगी। गेस्ट हाउस, मतलब जब आप एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे जाते हो,
आप कहाँ पे रुकोगे, आपको पॉकेट फ्रेंडली यहाँ का गेस्ट हाउस है, 150 समथिंग रुपीस देने पड़ते हैं वन डे या 100 रुपीस, और आप यहाँ पे रह सकते हो और यहाँ पे रह करके आराम से अपना यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो। प्लस यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में कि स्कॉलरशिप कब क्या कैसे आती है, आपकी स्कॉलरशिप सारे बच्चों की कैसे आ सकती है उसके बारे में, यूपी स्कॉलरशिप कैसे होती है, अदर स्टेट वाले बच्चों के स्कॉलरशिप कैसे आएगी, नेशनल स्कॉलरशिप क्या होती है, कैटेगरी स्कॉलरशिप क्या होती है, हर एक पॉइंट आपको यहां पे क्लियर करूंगी। अब मुझे नहीं लगता है कि यहां पे कोई भी आपका पॉइंट रह गया हो। फैकल्टी कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है, इक्विपमेंट्स हैं, लैब कैसी है, इनके बारे में भी मैं आपको क्लियरेंस दूंगी। तो सिर्फ आपको थोड़ी देर बने रहना है वीडियो में। जैसा मैंने बोला, यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आई, जो जो चीज़ें मुझे क्लियरेंस नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ तो बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे सीनियर्स होंगे, बहुत सारे जूनियर्स होंगे, और बहुत सारे HOD और बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स होंगे, तो उनसे भी मैंने कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें पूछी हैं, और उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी और सब कुछ यहाँ पे एग्जैक्ट बताऊंगी। कुछ भी इधर उधर का नहीं रहने वाला है, और जैसे मैं वीडियो बनाती आई हूँ, जैसे मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हूँ, वैसे ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी। आपको अगर सही लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी, और हॉस्टल का प्रोसीजर कैसे होगा, BBO में कैसे आपको पूरी तरह से एडमिशन कंप्लीट ले लेना है, कैसे आपको यहाँ पे अपना कुरियर भेजना है, जब आप हॉस्टल फॉर्म भरोगे तो हॉस्टल फॉर्म यहाँ पे आपको सेंड करना होगा, कुरियर करना होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अलग अलग वीडियोज़ में मिलेंगे और अलग अलग आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे भी कोई भी अपडेट यहाँ की रुके ना, आपको सब कुछ पता चलता रहे, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम बेटा बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। तो आपको मैं जो रिसेंट में अभी यहाँ पे नोटिस आई हुई है मेरिट लिस्ट की, तो थोड़ा हम उस पर बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे। 1 तारीख को इसका अपडेट आया हुआ था कल के दिन पे कि भैया आपका जो शेड्यूल है वो आउट कर दिया है, और 1 तारीख की यहाँ पे मेरिट लिस्ट आनी थी, लेकिन 1 तारीख को कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई। इन्होंने मेरिट लिस्ट आज के दिन 2 तारीख को इन्होंने एक मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करी है, और वो बेसिकली मेरिट लिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की है। और अगर आपको देखना है तो बेटा मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वाले बच्चों की यहाँ पे वो लिस्ट प्रोवाइड करी है। अब आपने ये सोचा कि मैम अब हम रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले लिस्ट में कैसे चेक करें कि हमारा हुआ है और नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैंने एक सर से बात करी थी, इवन मैंने प्रूफ भी दिखाया था सर से बात करने का। उन सर ने मुझसे ये बोला कि अब आपकी ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है और यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका राउंड 1 शुरू होगा। तो मैंने उनसे बोला कि सर यहाँ पे तो 4 तारीख को प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, आपका 4 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। उन्होंने बोला कि आज शाम 5 बजे तक लिस्ट अपलोड होने की कोशिश करी जाएगी, अगर नहीं तो कल 3 तारीख को यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। सिर्फ आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट रहना है, अपडेटेड रहना, एक्टिव रहना, तो आप यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करे जाएंगे वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी तरह से आपको कन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ पे बताया जाएगा, जो भी यहाँ पे एक एक नोटिस प्रोवाइड करी जाएगी, वो नोटिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको कन्फ्यूज़न उसमें नहीं रहेगी। केस कंफ्यूजन है तो मैं इधर हूं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अभी एक बार आ जाओ और हम जरा इसके मेरिट लिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर आया है, क्या कहा गया है, कैसे क्या हुआ है, आ जाओ। तो जैसा कि आपने यहाँ पे आए ही होगे और इसके बारे में आपने देखा ही होगा कि ये नोटिस आई हुई है, नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू PG प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2024-2025। इसमें नोटिफिकेशन इन्होंने ये बताया है कि भाई आपका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है 1 तारीख को, प्लस यहाँ पर आपका प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा प्रॉपर कब, 4 तारीख को, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 4 तारीख को कराया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आपका पूरी तरह से फीस सबमिशन 6 तारीख को कराया जाएगा। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन 1 तारीख को आया है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होने की, ठीक। तो चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्लियरली, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगी।
ओके यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन इन्होंने मेरिट लिस्ट की 1 तारीख को करी, लेकिन इन्होंने अपलोड नहीं किया 2 तारीख को किया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 4 तारीख को करना होगा। तो आपका यहाँ पे 3 तारीख को लिस्ट अपडेट मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो 5 तारीख को करेगा। आप अपनी फीस को 6 तारीख में सबमिट कर सकते हो, फिर आपका फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी एक लिस्ट निकाली जाएगी, जो लिस्ट रहेगा बेटा वैकेंट सीट की। ये चीज थोड़ा सा याद रखना, जो वो लिस्ट रहेगी वो लिस्ट आपकी बेसिकली जो बच्चे पहली लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, कितनी वहां पे सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी सीट वैकेंट हैं, वो लिस्ट आपकी यहाँ पे 7 तारीख को आ जाएगी। उसके बारे में थोड़ा सा अपडेटेड रहना, आप हमारे चैनल पे अपडेटेड रहोगे तो आपको सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। फिर हम फेज 2 की बात करेंगे, 8 तारीख को ये लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। 11 तक का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द कमिटी से होगा, फिर यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, और ऑनलाइन जो समर्थ पोर्टल है उस पे आपको यहाँ पे फीस 13 तारीख को सबमिट करने पड़ेगी। फिर वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी 14 तारीख को। 15 तारीख से इन्होंने बोला है कि भाई आपका जो वेरिफिकेशन है मतलब क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट कराई जाएंगी 15 तारीख से। ये चीज़ उन्होंने सही लिखी है, ऐसा नहीं है कि कुछ झूठ लिखा है। 15 तारीख से इन्होंने क्लासेस कंडक्ट करानी है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस दिन से पहली क्लास लगेगी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा इन्होंने बोला है। मेरे टाइम पे भी बोला गया था आपको यहाँ पे आ करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, नॉर्मल इंट्रोडक्टिव चीज़ें होंगी तो होंगी, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब जो आप सोच रहे हो कि मैम जो यहाँ पे ये जो वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी ये बच्चे कहाँ जाएंगे, तो ये बच्चों का भी प्रोसेस जो है वो जल्द ही जल्द करा दिया जाएगा, और ये बच्चों के लिए क्लासेस का अलग वो बना दिया जाएगा कि आपको जैसे हमने बोल दिया कि 14 तारीख को ये लिस्ट आएगी और आपको 14 से लेकर के 19 तारीख के बीच में इसका शेड्यूल आउट कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन दे दिया जाएगा, और 20 तारीख से आपको डेट दी जाएगी कि आप अपनी क्लासेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 तारीख से ज्वाइन करेंगे। समझ आ गया? अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये नंबर सारे एक्टिव हैं, मैंने सब पे कॉल करके देख लिया, और बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो मेरे मतलब जाने माने सर के हैं, तो आप इन पे कॉल करके बात कर सकते हो, और ये सारे सारे जो नंबर हैं ये सारे के सारे एक्टिव हैं, इन पे कॉल कर लेना। ये चीज़ हमारी किस पे हो गई? मेरिट लिस्ट पे, जो अभी आपकी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जो शेड्यूल आया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आई हुई है, ये मेरिट लिस्ट नहीं है, ये आपकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है। एक यहाँ पे बेटा अमेठी में कैंपस है जिसमें इंग्लिश और हिस्ट्री की प्रोसेस होती है, आप अगर देखना चाहते हो, आपने फिल किया हो तो आप इन दोनों से देख सकते हो। प्लस आप लखनऊ वाला देखना चाहते हो तो MSc फूड न्यूट्रिशन, आप जब देखोगे ना, जब आपकी मेन मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेन मेरिट लिस्ट कैसी आएगी, आज मैंने आपको एक वीडियो बताया है, वीडियो बना के बताया भी है, उसमें मैंने आपको बताया है कि बेटा जैसे लिखा हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले लिखा होगा बेटा जनरल, फिर लिखा होगा AWS, फिर लिखा होगा SC, फिर लिखा होगा ST यहाँ पे लिखा होगा, और आपको जनरल मतलब UR यहाँ पे लिखा होगा। अब आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे सिंपली आपको जैसे UR हो तो UR पे क्लिक कर देना है, UR की लिस्ट कितने बच्चों के नाम आए हैं अनरिजर्व्ड में, OBC वालों को यहाँ पे अनरिजर्व्ड में माना जाता है, क्यों ये हम आपको बताएंगे। फिर AWS की लिस्ट देखोगे कि AWS में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आपने AWS में अगर पार्टिसिपेट किया है ना, तो कितने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिया गया है, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया इस लिस्ट में, वो यहाँ पे देखोगे। तो जब लिस्ट आएगी तो ऐसा आएगा, ये जो बेटा लिस्ट आई है ना, इस लिस्ट में सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट के नाम दिए हुए हैं। यहां पे जब आप लिस्ट डाउनलोड करोगे तो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि दिस लिस्ट इज फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट ओनली, ये देख लेना, मतलब उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर तरह से। तो ये चीज़ हो गई मेरिट लिस्ट के बारे में, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये भी मैं आपको साथ ही साथ में बोलना चाहती हूं, आप कंफ्यूज मत हो, इवन आप परेशान मत हो। इसमें बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हुई कि मैम हमारी केमिस्ट्री की जो लिस्ट है वो ओपन नहीं हो रही है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाना चाहती हूँ कि ये देखो केमिस्ट्री की लिंक जो है वो ओपन हो चुकी है, ये लिस्ट आपको यहाँ पे मिल चुकी है। कहीं ना कहीं सर्वर इशू भी हो जाता है तो इस वजह से नहीं होती है, यहाँ पे आप देख लो केमिस्ट्री की भी जो लिस्ट है वो ओपन हो रही है। यहाँ पे इनकेस आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इनकेस आपके सब्जेक्ट का या आपके प्रोग्राम का लिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, वेट कर लो थोड़ा सा आज तक का, इवन थोड़ा कल तक का वेट कर लेना। एमएड का जैसे कि इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया, क्योंकि एमएड बेटा अभी नया नया शुरू किया है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एमएड का भी इन्होंने शुरू नहीं किया, जैसे ही इसका आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स का दिया गया है, अगर आपके किसी भी प्रोग्राम कोई प्रोग्राम मुझसे छूट रहा है तो वो प्रोग्राम को भी अपडेटेड दे दिया जाएगा, 7:05-7 बजे तक का यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा आपको।
ये चीज़ हो गई हमारी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। अब कोई कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हो। उसमें हम एक बार बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट आता है जो हम मैंने लिखा हुआ था कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ वाला बेटा अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में क्लियरली एक मेरा वीडियो है BBAU UG एंड PG से रिलेटेड, ये आपका टाइटल पड़ा होगा, इसको देख लोगे तो मैंने उसमें कट ऑफ भी बताया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस की लिस्ट डाउनलोड कर लूँ, प्रीवियस की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस की लिस्ट है वो 400 में थी, ठीक है 400 में थी। जैसा मैं आपको बोलती हूँ कि जनरल वाले बच्चे जो हैं वो 100 प्लस में हैं अगर, तो बेटा वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो जाते हैं। SC ST और आ गए हमारे EWS वाले बच्चे, तो EWS भी 100 वाले में ही आ जाएं, इवन वो 80 तक या 90 तक जा सकते हैं। और SC ST वाले बच्चे अपना लास्ट तक भी चले जाएंगे, उनको 40 नंबर पे भी एडमिशन यहाँ कभी कभी दिया गया है, इवन प्रीवियस में ही दिया गया है 400 में, ठीक है इस बार तो 300 का है। तो ऐसा मैंने आपको उसमें कट ऑफ क्लियर करी थी। अब हमारा बात आ जाता है, जरा हम लिस्ट अपनी चेक कर लें, अब हम किसकी बात करना चाह रहे हैं। इसमें आ जाता है OBC, ये रहा OBC को जनरल कैटेगरी क्यों, तो बेटा यहाँ पे OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, जनरल OBC को जनरल कैटेगरी में ही किया जाता है, कुछ एक्ट वगैरह था इस वजह से, कुछ एक्ट वगैरह लगा हुआ था इस वजह से OBC को जनरल में ही काउंट किया जाता है, तो जनरल की थोड़ी सी जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी इसकी हो गई। अब एक बार आ जाते हैं हम किसके बारे में, हम आ जाते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। सबसे पहले जो लास्ट लिखा हुआ है ये 8th नंबर जो लिखा हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रिजर्वेशन किसको किसको कैसे कैसे मिलता है। तो सुनो, मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में समझा रही हूँ सबसे पहले, उसके बाद जो इन्होंने अपनी PDF में प्रोवाइड किया उसको समझाऊंगी। देखो, आपको शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ। देखो, OBC जो है, मैंने क्लियर कर दिया, OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता, जनरल में माने जाते हैं। BBAU में जो SC ST वाले बच्चे हैं, SC ST वाले बच्चे हैं, उनका 50% रहता है सीट, उनका रिजर्वेशन 50% रहता है। 50% SC ST वाले बच्चों का होता है, प्लस 50% में कौन कौन से आ जाते हैं, एक आ जाते हैं हमारे 50% UR की आ जाती है, उस UR में आ जाता है EWS, उसमें आ जाता है जनरल, जिसमें हमारा क्या आता है, उस जनरल में क्या आते हैं OBC वाले बच्चे भी आ जाते हैं। एक आ जाता है बेटा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस UR में OBC आ जाता है, जनरल आ जाता है और EWS आ जाता है, ये चीज़ तो आप सभी को पता होगी, ये रिजर्वेशन कोटा। अब हमने बोल दिया EWS वाले बच्चों को यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा दिया जाता है, ये भी याद रखना, EWS वाले बच्चे जो है ना यहाँ पे उनको भी रिजर्वेशन कोटा मिलता है, उसके लिए कंफ्यूज मत होना। तो ये 50% चला गया इन बच्चों को, और ये 50% ओनली SC ST वाले बच्चों को चला गया, क्योंकि ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई रिजर्वेशन पॉलिसी की। अब एक बार हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम थोड़ा सा इसकी लिस्ट को देख लेते हैं जो मैंने आपको बताई थी कि इसकी PDF को डाउनलोड करके देखना है, वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वो देख लिया इसका मतलब आपने सब कुछ देख लिया। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे चले जाओ, ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बिल्कुल आपको बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ लोगे ना, आपको कोई कन्फ्यूज़न होने ही नहीं है। आ जाओ, इस पर हम इनका प्रूफ दिखाते हैं थोड़ा सा कि क्या यहाँ का रिजर्वेशन पॉलिसी है। वेट, ठीक है चलो ओपन हो गया। तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी, सबसे पहले आपको मैंने बोला है कि कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले आप उनका प्रॉस्पेक्टस पढ़ लो। अगर आपने प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया, काफ़ी कुछ आपने क्लियर कर दिया, ये ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि ऑनलाइन जब भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगी थी, क्या लगा हुआ था, इसके बारे में इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, जो अभी हमारे लिए मतलब की बात नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, उसके बाद हम इन सब पे वापस आएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे आ गई है रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी में देखो लिखा हुआ है द रिजर्वेशन पॉलिसी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजर्वेशन पॉलिसी टू बी फॉलोड फॉर एडमिशन इन एकेडमी 2024-2025। यहाँ पे लिखा हुआ है 50% सीट शैल बी रिजर्व फॉर SC ST स्टूडेंट्स, फर्दर 10% शैल बी रिजर्व EWS के भी लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है इन द यूनिवर्सिटी एज पर द लेटर, जो लेटर है आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इन्होंने लिखा उसकी कोई बात नहीं है। अब जो कितना बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है 40%। 40% किसका बचेगा? 40% बचेगा ओबीसी जनरल। जैसा कि मैंने बताया था कि ओबीसी को जनरल कैटेगरी में किया जाता है ना, वो 40% उनका बचा, ठीक है। उसमें भी बच्चे आते हैं और भी अदर उसके। तो ये हो गया इसका रिजर्वेशन पॉलिसी। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना कि कब से क्या डेडिकेटेड ऑफिस में रहता है। अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो यहाँ पे आप जान सकते हो इस पे मेल करके, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट किस पे बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जैसा सेकंड मैं ओपन कर लेती हूँ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट था फीस के बारे में। अब एक बार फीस और हम पेड कोर्स की बात करेंगे। आ जाओ हम जरा फीस और पेड कोर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर आते हैं कि ऊपर में ये चीज़ जो थी इसके बारे में, ठीक है। तो आप पीजी कोर्सेज जो लिखे हुए हैं मेन कैंपस में, उसके बारे में समझ लो थोड़ा सा कि क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एमए हिस्ट्री के लिए ग्रेजुएशन डिग्री आपकी 50% होनी चाहिए, और ये सारे के लिए है। आप अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो आपका 45% चल जाएगा, लेकिन आप और कोई अदर कैटेगरी हो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी छोड़ के, तो आपको 50% लाना ही लाना है। यहाँ पे टेस्ट पेपर कोड देख सकते हो, इस टेस्ट पेपर कोड के साथ में यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा, और यही आपका सीयूईटी में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आप इसमें पढ़ सकते हो, अगर आपका फूड टेक्नोलॉजी है, फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास जो प्रीवियस बैचलर आपने किया है, तो वो बैचलर आपका फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या होम साइंस में होना चाहिए, कम्युनिटी साइंस में होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में होना चाहिए। ये चीज भी आपको पढ़नी जरूरी है, और ये यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इस कोड को आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप सब अपने जो प्रोग्राम्स हैं उन सारे प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, ठीक है। यहाँ पे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए भी देख सकते हो, और एजुकेशन के लिए देख सकते हो। एजुकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है एज सच, जो इसमें एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए, प्लस जो यहाँ पे और अदर बच्चे बचे हुए हैं उनके लिए। तो इसके लिए भी देख लो ना, इसके लिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि मैम इसकी फ़ीस कितनी है, यहाँ पे जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें पेड सीट कितनी है, और एससी की सीट कितनी है, एसटी की सीट कितनी है, यूआर की सीट कितनी है, ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है, नंबर ऑफ एड से ट्यूशन फीस ऑफ रुपीज़ मतलब पर सेमेस्टर, और आपकी ट्यूशन फी पेड सीट के लिए कौन सी कितनी कितने मतलब वो देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। अब आपको हम सबसे पहले ये बताएंगे कि पेड सीट आपको मिलती कैसे हैं। देखो, पेड सीट आपको मिलती ऐसे हैं जब भी आपकी मेरिट लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। मेरिट लिस्ट कंप्लीट होने के बाद एक लिस्ट निकलती है, वो पेड सीट की ही लिस्ट निकलती है कि अभी हमारे पास इतनी पेड सीट अवेलेबल हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा मनी सबमिट करके हमारे में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ तो बच्चा ये हो गई कि यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप में ही पेड कोर्सेज हैं, जैसे कि लाइफ साइंसेज हो गया, वो अपने आप में ही पेड कोर्स है। जूलॉजी पेड कोर्स नहीं है, तो उसको आप पेड कोर्स में लेना भी होगा, नहीं भी लेना होगा, तब भी आपकी सेम फीस देनी पड़ेगी जितनी आपके पेड कोर्स पे देनी होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम एक बार बता देते हैं कि किस कोर्स की कितनी फीस है, इससे आप क्लियर हो जाओ, और अगर इस बार आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको कितनी क्या यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ठीक है। चलो इतनी सी चीज़ें हो गई, अब हम बात कर लेते हैं फीस कितनी क्या है और एलिजिबिलिटी सामने लिखी हुई है। यहाँ पे देखो, जो एमए हिस्ट्री है, एमए हिस्ट्री 2 साल का है, 4 सेमेस्टर होते हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ से देख लेना। नंबर ऑफ सीट, टोटल सीट यहाँ पे 40 है, यूआर की 16 है, एससी की 13 है, एसटी की 7 है, और ईडब्ल्यूएस की 4 है। नंबर ऑफ पेड सीट बेटा कितनी है, इसमें आपकी 10 जो है पेड सीट हैं। कितनी? 10 जो सीट्स हैं वो बेटा पेड सीट हैं। अगर आपको पेड सीट पे एडमिशन लेना होगा तो 15,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर आपको ये नॉर्मल रेगुलर सीट पे अगर एडमिशन लेना है, अगर आपका वहाँ पे आया है, तो 1500 फीस देनी पड़ेगी। 15,000, 1500 डिफरेंस खुद से देख लो पर सेमेस्टर। फिर हम बात कर लेते हैं सोशोलॉजी में, 64 टोटल सीट्स हैं, 26 अनरिजर्वड है, 21 एससी की है, एसटी की 11 है, और हमारी ईडब्ल्यूएस की 6 हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो नंबर ऑफ पेड सीट इसमें एमए सोशियोलॉजी में कितनी है, पेड सीट की यहाँ पे 12 हैं, और यहाँ पे अगर आप उसके देखो रेगुलर की तो 1500 और इसकी 15,000, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 50 हैं, यूआर 20, एससी 17, एसटी 8 और ईडब्ल्यूएस 5। पेड सीट कितनी है बेटा इसमें? 10 है।
ट्यूशन ऑफ फीस मतलब 1500 और इसमें 15,000 अगर आप पेड पे ले रहे हो, पेड सीट ले रहे हो, अगर पेड मतलब पैसे ज़्यादा दे करके, अगर आपका CUET इसमें नाम नहीं है मेरिट लिस्ट में और पेड कोर्सेज के लिए लिस्ट निकाली गई, अगर आप उसमें पेड पे ले रहे हो कि हाँ हमें पेड सीट मिल जाएगी, हमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही पढ़ना है, हमारा वरना साल खराब हो जाएगा भले पैसा ज़्यादा देना पड़े, इसको बोलते हैं पेड सीट। तो यहाँ पर 15,000 देना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो बेटा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिंपली लिखा हुआ है 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर होगा, 50 सीट्स टोटल हैं, 20 UR की हैं, ये है हमारा EWS की, ये है SC की, ये है ST की, और बेटा पेड सीट यहाँ पे देख लो कितनी है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे पेड सीट देख लो 10 है और 1500 नॉर्मल और 15,000 ऐसे। हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में 50 टोटल हैं, 20 है UR की, 17 है SC की, EWS की, SC की 8 है, 5 है ST की, और 10 जो है बेटा 10 यहाँ पे किसकी है, टोटल पेड सीट है। अगर आप पेड सीट पे लोगे तो 15,000 है और इसका 1500 फीस है। MA इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, 74 टोटल हैं और आप देख सकते हो UR इतनी, 25 EWS, 12 SC और ST 7 और 14 यहाँ पे पेड सीट्स अवेलेबल हैं, 1500 नॉर्मल फीस है और 15,000 जो है आपका पेड सीट है, ठीक है। और MSc इकोनॉमिक्स में देखो तो 50 टोटल सीट्स हैं और यहाँ पे पेड सीट्स अवेलेबल नहीं हैं, देख लो ये पेड सीट्स अवेलेबल नहीं है, MSc इकोनॉमिक्स में पेड सीट अवेलेबल नहीं है। अगर बेटा यहाँ पे डॉट बन रहा है इसका मतलब समझ जाना यहाँ पे पेड सीट्स नहीं है, तो आपका बेटा पेड कोर्स है भी नहीं, तो यहाँ पे 16,000 खुद से यहाँ पे पैसा आपको देना पड़ेगा। ये शायद अपने आप में ही एक पेड कोर्स है, 16,000 मतलब ये पेड कोर्स होगा सेमेस्टर वाइज। MA एजुकेशन की बेटा बात करेंगे तो 50 टोटल है, 20 UR, EWS, SC, ST, यहाँ पे कोई भी पेड सीट्स नहीं है और पेड उसका वो भी नहीं है, ये अपना रेगुलर कोर्स है, 5,000 आपको फीस देनी पड़ेगी सेमेस्टर वाइज। और MA मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में आप देख सकते हो 2 साल का है, 50 सीट टोटल है, 20 UR है, 17 EWS है, 8 SC है, 5 ST है और 10 इसकी पेड सीट्स हैं, और पेड सीट में देख सकते हो 20,000 रुपये देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ऐसे आप इस ब्रॉचर को आपके टेलीग्राम पे मैं इसको शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम से इसमें देख सकते हो कि इसमें कितनी क्या आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, किसमें कितनी पेड सीट्स अवेलेबल हैं और आपकी जब लिस्ट आएगी तो किन की प्रोग्राम की पेड सीट की लिस्ट आ सकती है। अगर आपको चाहिए एडमिशन पेड सीट में तो उस लिस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैसे होगा, क्या होगा, जैसे ही कोई नोटिस आएगा मैं आपको तुरंत के तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी। MBA में देख सकते हो MBA में कितनी क्या फ़ीस है, ऐसे आप अपने सारे प्रोग्राम्स में देख लो। अगर आप MSc हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल साइंस चाहिए आपको तो यहाँ पे देख लेना कि भैया आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो इतने पे होना चाहिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेना क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हर बार। अब यहाँ पे जो अमेठी में है, यहाँ पे जो सेंटर अमेठी में है उसमें ये जैसा मैंने बोला MA इंग्लिश और हिस्ट्री है, उसमें पेड सीट्स अवेलेबल हैं, 15,000 उसकी भी और 1500 रेगुलर सीट्स की हैं। हो गया, कोई कन्फ्यूज़न हुई इसमें, कोई भी डाउट हुआ, अगर अभी भी किसी सब्जेक्ट का नहीं पता है तो मुझसे बता देना। मैं आपको एक सब्जेक्ट का बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो MED है, MED की अप्रॉक्स जैसा कि सर से मैंने पूछा तो सर ने बोला कि अभी इसका कुछ भी डिसाइडेड नहीं है और अगर डिसाइडेड होगा तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे ऑफिस तक नोटिस नहीं आई, तो 20,000 अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं। उन्होंने मुझसे ये बोला कि 20,000 पर सेमेस्टर, 20,000 पर सेमेस्टर, वो बोले थे कि ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, 20,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे MED की फ़ीस हो सकती है। ये एक बच्चा कई बार पूछ चुका था और मैं उसको नहीं बता पाई थी, प्रशांत नाम से था वो, तो यस। अब एक बार जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख लेना खुद से, और रूल्स एंड रेगुलेशन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। अब देख लो रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डिसिप्लिन वगैरह तो आप सबके अंदर होगा, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे सबके अंदर थोड़ा सा नहीं भी होता है ना तो चलता है। चलो, एडमिशन जो है कैंसिल होगा अगर, तो आप सबसे पहले देख लेना यहाँ का प्रॉस्पेक्टस पढ़ लेना, प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन एक टाइम ड्यूरेशन के साथ में कैंसिल कराना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रेगुलेशन और ये सारा सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, कोई बात नहीं है। मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हो तो जो भी बेटा आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन बीइंग सेलेक्टेड फॉर काउंसलिंग द कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ओरिजिनल ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन अ बिफोर लास्ट डेट प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पज। आप ये जो नीचे लिखे हुए ना, आप
आपको बेटा ये देने ही देने पड़ेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और ग्रेड सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन डिग्री, सेल्फ अटेस्टेड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना ही देना है, डीन हेड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपका वहाँ पे क्लियरली वो मुहर वुहर लगनी चाहिए इन ओरिजिनल आप दिखाओगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको वैसे ही देना है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का जो ये है जो मतलब इशूड जो रहता है सर्टिफिकेट वो देना है, इसको आप देख लेना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, खुद से यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो, और यहाँ पे एज सच कोई अभी नोटिस पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एज सच इनमें नहीं है नीचे। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना क्या लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू क्लोज एनी द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एडमिशन आर लेस देन 60% ऑफ द टोटल सेक्शन सीट। यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप ध्यान दे देना, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट होगा मैं आपको तुरंत से तुरंत क्लियर करूँगी, ठीक है। चलो ये चीज़ें हो गई, अब एक बार हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ की, नहीं अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है कि मैम हमारी फ़ीस कितनी है, तो हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं, आप सुनो। प्रोग्राम्स पे जाना, प्रोग्राम पे जाने के बाद जैसे मान लिया कि आपको एमएससी का पता करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी का पता करना है, एमएससी पे चले जाना, एमएससी आपको सिलेक्टेड है, सेलेक्ट कोर्स कर लो कि आपको कौन से कोर्स में चाहिए, नॉर्मली आपका ये कौन सा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, सेलेक्ट स्कूल कर लो, हमने मान लिया कि आपको चाहिए एमएससी, मान लिया साइंसेज में देख लेते हैं, स्कूल ऑफ साइंसेज, रुको, ओके, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, हमने लाइफ साइंसेज का देखा, डिपार्टमेंट कौन सा लगेगा बेटा, डिपार्टमेंट लाइफ साइंसेज ही होगा वैसे ऑब्वियसली, लेकिन ये जो है डिपार्टमेंट यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बेटा डिपार्टमेंट लगता है जूलॉजी, ठीक है। जब लाइफ साइंसेज में आप जाओगे ना तो खुद से पता चल जाएगा बेटा यहाँ पे जूलॉजी लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, अभी रुक जाओ मैं इसको सर्च कर लेती हूँ और इसके बाद आपको खुद से पता चल जाएगा कि कितनी क्या यहाँ पे टोटल फीस अवेलेबल है। देखो ये लाइफ साइंसेज आ गया, लाइफ साइंसेज 2 साल का है ये कोर्स, इनटेक कितना है सीट्स का, 50 टोटल सीट्स हैं और फीस सेमेस्टर वाइज देख सकते हो 15,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये 15,000 नहीं, मेरे टाइम पे बेटा 20,000 पहले सेमेस्टर की, दूसरे सेमेस्टर की 19,000 पड़ी हुई थी, तीसरे सेमेस्टर की 17,400 ये पड़ा हुआ था और चौथे सेमेस्टर की 17,000 पड़ी हुई थी, प्लस आपका जब ट्रिप जाता है ट्रिप में भी कहीं ना कहीं 10K तक का ये पैसा ले लेते हैं, क्योंकि उसमें ये एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी कराते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं, ठीक है। ये लाइफ साइंसेस का हो गया, ऐसे ही आप यहाँ जूलॉजी का देख सकते हो, यहाँ पे 1500 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये पेड कोर्स नहीं है, जो वो लिखा हुआ है वो पेड कोर्स था, ऐसे आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे सेलेक्ट करके आराम से, जैसे कि हमने बोल दिया ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, अब स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस छोड़ के हमने मान लिया कि मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में देख लिया, और कॉमर्स में देखने के बाद हमने बोल दिया कि चलो हम ये कॉमर्स वाला किस में आ जाएगा, इसको अगर नहीं भी सर्च करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली इसको सर्च पे चले जाओ, सर्च पे चले जाओगे तो ये सारे कॉमर्स के यहाँ पे आ जाएंगे रिजल्ट सर्च हो रहा है, ऐसे आप जब करोगे ना इसको जूलॉजी हटा दो भैया, कॉमर्स वेट ओके कॉमर्स पे आ गए, अब हमने इसको सर्च किया, सर्च करने के जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे सब कुछ आ जाएंगे, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है जो भी, ठीक है जो भी इशू हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे आप अपने सब्जेक्ट्स का इनटेक देख सकते हो सीट का, प्लस आप यहाँ पे अपनी फ़ीस को देख सकते हो, ये चीज़ हमारे प्रोग्राम्स की हो गई। अब बेटा हम किसकी बात करेंगे, सभी को पता है हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट की, आपको इनकेस प्लेसमेंट नहीं समझ आ रहा कि मैम कितनी का प्लेसमेंट आती है, क्या इनका रिकॉर्ड रहता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आ जाओ हम सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के बारे में देख लेते हैं, सारे डिपार्टमेंट ने कैसे क्या यहां पे प्लेसमेंट आती है। देखो यहां पे देख लो प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्लियर कर लो, इसको क्लिक करो और उसके बाद प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, अभी हम यहाँ पे आपको अपने डिपार्टमेंट का दिखाएंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में भी आकाश बायजूस आई हुई थी, मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था और हमारे कुछ स्टूडेंट्स सॉरी हमारे कुछ क्लासमेट्स थी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, आप देख सकते हो। चलो आ जाओ यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है प्रॉपर नेम ऑफ स्टूडेंट, प्रोग्राम लिखा हुआ है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर हम बात कर लेते हैं पे पैकेज एट अपॉइंटमेंट इन इनर एनम, इसमें आप देखोगे लिखा हुआ है क्लियरली कितने एनम पे उनको मिला हुआ है, ये देखो कितने एनम पे उनको मिला हुआ है, यहाँ पे देखो 4 LPA तक गया है, 7 LPA तक भी गया है और यहाँ पे खुद से आँखों का इस्तेमाल करके यहाँ पे देखो 10 तक का भी गया है, ठीक है हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, ठीक।
चलो अब हम बात कर लेते हैं एमएससी में। एमएससी में भी देख लो ये जो पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है, और हम एक बार आपको रिकॉर्ड दिखा देते हैं किसके बारे में। ये दिया हुआ है, हाँ ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल, एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट डिटेल कि किस किस उसमें हुआ है, कि किस में बच्चों का कराया गया है और कौन से उसमें पढ़ रहे हैं, क्या है इसके बारे में। अब रुक जाओ, हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहे हैं, वो चीज़ पता नहीं कहाँ पर है। रुको रुको रुको, हाँ ये है डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर्स, नहीं 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 लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर्स ये भी नहीं है शायद, ये तो कोऑर्डिनेटर्स हैं। ओके चलो कोई नहीं, एक मिनट रुको मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। इसकी एक लिस्ट थी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई हुई थी, यही है वैसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एक दूसरी लिस्ट थी, वो दूसरी लिस्ट अभी नहीं मिल रही है, अगर मुझे मिलती है ना तो मैं तुमको बेटा शेयर कर दूँगी उस पर टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं शेयर कर दूंगी। मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने प्लेसमेंट की वो बताई थी, अब इन्होंने हिस्ट्री हटा दी है या जो भी किया है उसमें बेटा हमारे लाइव साइंसेस का दिया हुआ था। लाइव साइंसेस में मैंने आपको बताया था कि जैसा कि मेरा गया हुआ था 12 LPA तक का, वो जो आकाश बायजूस की आई हुई थी कंपनी, उसमें हमारे कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था बट उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, बट मैं स्टार्टिंग से छोड़ दी क्योंकि मुझे ब्रांच मिली थी बैंगलोर की, ठीक है इस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो ये हो गया बेटा प्लेसमेंट सेल। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप कैसे क्या आती है और स्कॉलरशिप के लिए हमें कहाँ क्या करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली आप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी पे जाओगे और यहीं पे आपको यहाँ ये सेल जो दिखाई दे रहा है ना कि ये एकेडमिक है, यहाँ पे ये देखो जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ कोचिंग एकेडमी है, यहाँ इन्फॉर्मेशन गाइडेंस है, और यहाँ पे देखो ये पूरा सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे ही आपको, एक मिनट रुकना जरा, हाँ ओके ऐसे ही आपको ये स्टूडेंट्स में चले जाओगे तो स्टूडेंट में जाने के बाद बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे मैं आपको बताती हूँ कि कितनी तरह के स्कॉलरशिप आती हैं और आप यूपी वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए और जो है उन सब के लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं। चलो हम जैसे कि बोल रहे हैं, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ साफ साफ, उसको समझ लेना, एक मिनट बस रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे तीन तरह की स्कॉलरशिप होती हैं, एक यूपी की, एक अदर स्टेट, अदर स्टेट वाले मतलब वो अपने स्टेट में कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से, फिर हम बात कर लेते हैं नेशनल, नेशनल स्कॉलरशिप एनएसपी करके रहती है, ठीक है एनएसपी। तो यूपी वाले बच्चे यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप आएगी, अब आएगी कब इसके बारे में समझो बेटा, अगर आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम होगी तभी यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप आएगी, उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी पड़ता है। और स्कॉलरशिप जब आती है उसके लिए बेटा आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होता है, सारे अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट में अगर 2 लाख से ऊपर लिखा हुआ है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ये चीज़ भी आप ध्यान दे दीजिएगा। अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप इनकम सर्टिफिकेट में 2 लाख से ऊपर लिखा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ध्यान दे देना, ठीक है 2 लाख से कम होना चाहिए, इवन मैं तो कह रही हूँ 1 लाख से भी भैया कम बनवा लो ज़्यादा बेटर है, 1 लाख बनवा लो बस हो गया, ये चीज़ हो गई। फिर हम बात कर ले रहे हैं अदर स्टेट वाले बच्चों के, तो अदर स्टेट वाले बच्चों जो उनका स्टेट है वो उनके स्टेट वाला फॉर्म फिल करेंगे और वो वहाँ का स्कॉलरशिप का जो मतलब लाभ है वो उठाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनएसपी की, एनएसपी क्या है, ये नेशनल स्कॉलरशिप होती है, ये नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी है, इसमें कैटेगरी स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब कैटेगरी मतलब एससी एसटी वाले बच्चों को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, प्लस यहाँ पे यूपी वाले बच्चे जो हैं उनको यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। अगर आप एससी एसटी वाले बच्चे हो तो दोनों में भी कभी कभी पार्टिसिपेट कर पाते हो, ये भी याद रख लेना, यूपी वाले में भी और एनएसपी वाले में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट और स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, तो आप जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हो उनके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप होती है बेटा, आपको सेंट्रल वाली यहां पे दी जाती है एनएसपी जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं, और यूपी स्कॉलरशिप आती है, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट कराने होते हैं, यहाँ पे मैं आपको वो सब कुछ अप टू डेट देती रहूँगी। जब आप इस यूनिवर्सिटी में चले भी जाओगे ना तब भी मैं आपको इस पे वीडियोज़ बनाते बनाते पूरा प्रॉपर पागल कर दूंगी, पागल इन द सेंस आप जब वहां जाओगे ना कोई कन्फ्यूजन होगी आपको यहाँ पे एक एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया, अब भैया इस यूनिवर्सिटी से हूँ तो इतना तो आपके लिए मैं कर ही सकती हूँ। चलो
ये हो गया आप प्लेसमेंट सेल, यहाँ से देख सकते हो आप। यहाँ जब एससी एसटी सेल देखोगे ना, यहाँ पे एससी एसटी सेल, ओबीसी सेल, यहाँ पे खुद से सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सेंट्रल प्लेसमेंट सेल पे जाओगे ना, तो वही चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई थी ना, वो चीज़ यहाँ पे आपको खुद से समझ आ जाएगी। जो रिकॉर्ड इन्होंने किया है, जो भी इनका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, वो सारा रिकॉर्ड इनके पास है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हमारा क्या रह गया, जरा आ जाओ हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। सॉरी ओके चलो, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है प्रोग्राम्स प्लस एमएड, ये हो गया, प्लस प्लेसमेंट का हो गया। कैंपस आउटिंग की बात कर दे रही हूँ आपका, यहाँ पे गेट जो है, गेट है यहाँ पे तीन गेट हैं। अगर आप आईडी कार्ड के साथ नहीं आओगे तो कभी कभी रोकने लग जाते हैं। वैसे आप जब रौला बना लेते हो यहाँ पे, मतलब भौकाल बना लेते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे। अगर आप जान पहचान हो गई है तो यहाँ पे एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आपको वो एंट्री दे देते हैं। लेकिन आपको बेटा आईडी कार्ड के साथ में आना होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रूल्स चल रहे हैं कि आप आईडी कार्ड के साथ में आओगे। इन केस आप एडमिशन कराने के लिए जा रहे हो, तो आपको गेट नंबर पे वन पे जो एंट्री है वो बस कराई जाएगी, और आपको एज सच कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज हो गया, आउटिंग ये हो गई। तो बेटा गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दे रही हूं कि गर्ल्स के लिए 8 बजे तक एंट्री करनी होती है, अगर आप हॉस्टल के हो तो, और नहीं भी हो तो। अगर आप पीएचडी स्कॉलर हो, जैसे पीएचडी हो, पीएचडी कर रहे हो, तो बेटा आप 10 बजे तक यहां पे आ जा सकते हो। लेकिन आप अगर ऐसे हो, जैसे मैं बाहर पीजी में रहती थी, तो बेटा यहाँ पे मैं 10 बजे तक आती जाती थी, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप हॉस्टल के हो तो बेटा बॉयज़ को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्ल्स को 8 बजे तक एंट्री अंदर कर लेनी होती है, क्योंकि उनको हॉस्टल जाना होता है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं हॉस्टल फॉर्म, मेस और फीस रिव्यू के बारे में। आज हम उसके बारे में भी आपको क्लियरेंस दे दे रहे हैं। हमने यहाँ पे जो डाउनलोड किया था उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा, इनका जो ब्रॉचर है। हाँ, इस वीडियो से मेरे हिसाबों से काफ़ी ज़्यादा कुछ हेल्प मिल सकती है आप लोगों को, क्योंकि आप सारे बच्चे किसी न किसी क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज होते हो, और फिर आपको कहीं आंसर नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको देना चाहिए। अगर हेल्पफुल लगता है तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी बताइएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी, हाँ ठीक है वीडियो सही था, आप लोगों को हेल्पफुल लगा। चलो, ये रूल्स एंड रेगुलेशन खत्म हो गया था, अब एक बार हम बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम हॉस्टल की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेस्ट हाउस। अगर आप यहाँ पर आते हो ना, तो यहाँ पर गेस्ट हाउस दिया जाता है, आप आराम से गेस्ट हाउस में रह करके, आपको कुछ फीस सबमिट करनी पड़ती है, मतलब 100-150 समथिंग, अब बढ़ गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही थी। और उतनी आपको जब फीस सबमिट करोगे तो उतने पे बेटा आपको यहाँ पे एक दिन दो दिन के लिए रहने के लिए दिया जाता है। अपने पेरेंट्स को भी लाके रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप एडमिशन करा के आराम से आप हॉस्टल का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करा के तब आप जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई, अब एक बार आप बात कर लो इसके बारे में, ठीक है, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ के बारे में। कंप्यूटर प्रोसेस है यहाँ पे, कंप्यूटर अवेलेबल हैं, हेल्थ सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आराम से यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है, आप एम्बुलेंस का यहाँ पे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल दोनों के लिए अवेलेबल है, इवन आप अगर डे स्कॉलर भी हो तब भी यहाँ पे मतलब एम्बुलेंस आ जाती है। स्टूडेंट्स काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे, इसके लिए ऐसा इतना कोई वो नहीं है, आपको जानना नहीं है इतना, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे वाईफाई भी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पूरी जगह वाईफाई चलता है, कोई कोई ऐसे एरिया है जहाँ पे वाईफाई नहीं चलता है, लेकिन हाँ वैसे वाईफाई चलता है। वाईफाई तभी आपको चलेगा जब आप यहाँ पे अपना आईडी वगैरह बनाओगे, जब आप एडमिशन ले लोगे तब। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी बहुत सही है, बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे कोचिंग्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे यूपीएससी वाले बच्चों के लिए आरसीए कोचिंग कंडक्ट कराई जाती है, आप यहाँ पे एससी एसटी वाले बच्चे यहाँ कोचिंग कर सकते हैं, और भी अलग से यहाँ पे कोचिंग्स कराई जाती हैं इस यूनिवर्सिटी में अलग से। गेस्ट हाउस जैसा भी मैंने बता दिया, कैंटीन बहुत सही है यहाँ की, लेकिन बस वही है कि हर जगह का थोड़ा सा होता है, मुझे थोड़ा सा बाद में आते आते टाइम आते आते नहीं ठीक लगी, तो बस यही चीज़ें हैं। ये चीज़ हो गई, फिर हम बात कर ले रहे हैं यूपीसी के बारे में। यूपीसी में वही चीज़ें हैं जो मतलब इंडिया ऑर्गेनाइज करती है, और ये सारा सब कुछ, वर्कशॉप वगैरह लगता है, प्लेसमेंट सेल लगती है, ये सारा सब कुछ। फिर हम एससी एसटी सेल, वही जो आपको मैंने बताया था कि एससी एसटी सेल में जो कोचिंग वगैरह होती हैं वो कराई जाती हैं, और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग होती हैं वो यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बारे में आप देख सकते हो कि कितना क्या आपको मतलब, जो जैसे कोचिंग है यूजीसी नेट की है वो कितना कराई जाती है, आरसीए जैसा भी मैंने बताया था कि
RCA है, कितने टाइम तक का कराया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इसके लिए भी यहाँ पे एक कंडक्ट कराया जाता है प्रोग्राम, यहाँ पे UGC रेमेडियल RCP इसके लिए भी कराया जाता है। तो ये सारे चीज़ आप देख सकते हो। स्पोर्ट्स यहाँ पे सही होता है, यहाँ पे वॉलीबॉल और फुटबॉल क्रिकेट यहाँ पे बहुत सही होता है, लेकिन स्पोर्ट्स तो बहुत सही है। स्पोर्ट्स ग्राउंड यहाँ का बहुत अच्छा है, वहाँ पे अगर आप खेलना चाहते हो ना बहुत आराम से खेल सकते हो, आपको बिल्कुल भी रोका टोकी नहीं है, आप 10 बजे तक आराम से रह सकते हो वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप खेल सकते हो। और जिम में यहाँ कैरम अवेलेबल है, चेस अवेलेबल है, टेनिस अवेलेबल, टेबल टेनिस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए जिम अवेलेबल है, बॉयज़ में भी अवेलेबल है और गर्ल्स के हॉस्टल में भी अवेलेबल है। आप पता नहीं वो चल रहे नहीं चल रहे इस टाइम, वो नहीं पता, लेकिन हाँ मेन जो हमारा यूनिवर्सिटी का जिम है वो तो चलता है हमेशा, आज भी चलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वुमेन सेल एंड डे केयर सेंटर, इसके बारे में ऐसा सच कोई इतना वो नहीं। NCC और NSS, हाँ मैं NSS में थी यहाँ पे, तो NCC और NSS की भी यहाँ पे सुविधा है, आपको अगर यहाँ पे करना है आराम से कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे यहाँ पे। हॉस्टल्स, लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल विल बी डन अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी पॉलिसी, यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई चेंज हॉस्टल मैनुअल पॉलिसीज एट एनी टाइम। देखो हॉस्टल के बारे में हम आपको यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हॉस्टल में हम आपको बता दे रहे हैं कि बॉयज़ के हॉस्टल 3 से 4 हैं, गर्ल्स के हॉस्टल भी 4 से 5, क्योंकि नया नया हॉस्टल बन रहा है तो उनका 4 से 5 में बोल सकती हूँ। हमने बोला अगर आपका मिलता कब है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि हॉस्टल मिलता कब है, मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है। मेरिट लिस्ट पे कैसे, हमने बोल दिया अगर आपके जैसे मार्क्स, देखो कभी कभी हम आपको ये चीज़ भी बता दे रहे हैं, कभी कभी इस यूनिवर्सिटी का मुझे समझ नहीं आता है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके 64 मार्क्स भी हैं तब भी कभी कभी एडमिशन मिल जाता है किसमें, हॉस्टल में, लेकिन आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST होनी चाहिए तब। जनरल कैटेगरी को थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, जनरल कैटेगरी को मेरिट लानी पड़ती है, आपको मेरिट ठीक ठाक होगी ना तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे डिस्टेंस भी देखा जाता है, अगर आपकी मेरिट है और आपका डिस्टेंस थोड़ा सा है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है हॉस्टल में, ठीक। तो ये मेरिट और जो आपका वो है डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जैसा कि मैंने देखा था कि मेरे टाइम पे कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे, मैंने तो लिया ही नहीं था हॉस्टल, कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको बहुत कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल गया था। अब इनका क्या क्राइटेरिया रहता क्या नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, अगर आपका 200 है डिस्टेंस तो आप उसको 250 करके डाल देना और बोल देना कि भैया हम लखीमपुर खीरी से हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी से काफ़ी हम अंदर जाते हैं तब है हमारा घर, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर देना, डिस्टेंस थोड़ा सा आप अपना ज़्यादा कर देना। और वैसे ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि बेटा जो आप जैसे UP के बाहर के बच्चे, अगर आप यूपी के बाहर के हो तो आपको यहाँ पे हॉस्टल ज़्यादातर मिलने के चांसेस 80% रहते हैं, 20% फिर भी मान लेना कि नहीं रहता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसमें यूपी के बाहर के हो तो चांसेस रहते हैं, अदर स्टेट के हो तो कन्फर्मेशन मिल जाता है आपको हॉस्टल मिलने का, ये चीज़ भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, चीज़ समझ आ गई। हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल सेम फैसिलिटी है, मैं आपको समझा देती हूँ। हॉस्टल जो बॉयज़ हॉस्टल है उसमें आउटिंग समझ लेना थोड़ा सा, आउटिंग कब क्या कैसे होती है। तो जैसे हमने बोल दिया बॉयज़ हॉस्टल में हमेशा आप बाहर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में आपको बेटा 8 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर एंट्री करनी पड़ती है, जब आप निकलोगे तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी और जब आप अंदर जाओगे तब भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। बॉयज़ को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, आराम से रौले से निकलते हैं, भौकाल मार के बाहर जाके घूम घाम के आ जाते हैं, गर्ल्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे हम घर जाते हैं तब यहाँ पे क्या रहता है, तो जब आप घर जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आप नॉर्मली अपना, जैसे गर्ल्स है ना, बॉयज़ को तो ऐस सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बॉयज़ को कोई दिक्कत नहीं होगी, गर्ल्स को क्या करना होगा अपने, अगर आप मंडे टू फ्राइडे में अगर घर जा रहे हो तो बेटा आपको अपने डिपार्टमेंट में जाकर के एप्लीकेशन की साइन करानी पड़ती है कि आपके मतलब डिपार्टमेंट वाले बोलें कि हाँ ठीक है आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ कर लिया है और आपने अगर ले लिया, आपका जेन्युइन रीज़न है तो वो वैसे ज़्यादातर ऐसा मिल जाता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको अगर घर वर जाना है तो आपको नाइट आउट मिल जाता है। अगर आप सैटरडे संडे हो तो कुछ भी नहीं, आप सैटरडे संडे हो तो डिपार्टमेंट में साइन कराने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जाकर के वार्डन को दे सकते हो। मंडे टू फ्राइडे आपको एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में साइन करा के वार्डन को देनी पड़ती है तो आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, लेकिन अगर आप सैटरडे संडे में जा रहे हो तो सैटरडे संडे में आपको नॉर्मली वार्डन को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, बस खत्म, और कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो अपना उनको देना होगा तो वो दे देते हैं। ये हो गया हॉस्टल। अब हम बात कर ले मेस की, मेस में क्या होता है, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेम है, 85 रुपीज पड़ता है पर डे का,
85 रुपीज़ पर डे का पड़ता है और आपको मंथ में 3,000 के अंदर ये काम हो जाता है। हॉस्टल की फ़ीस कितनी है? हॉस्टल फ़ीस दोनों बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ, एक जनरल, EWS, OBC, इन सब के लिए हम आपको बताते हैं कि इनके लिए क्या होता है, 2,2600 या फिर आप बोल सकते हो 4,600 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, जिसमें से 2,000 रुपीज़ आपके रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, फिर हमने बोल दिया जो SC ST PWD वाले बच्चे हैं उनको बेटा 2,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं या फिर आपको 4,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं, जिसमें से 2,000 रुपीज़ आपको रिफंड कर दिए जाते हैं जब आप यहाँ से निकलते हो। हो गया हॉस्टल फॉर्म समझ, हॉस्टल का समझ आ गया। अब ये हॉस्टल अप्लाई कब करना है, ये चीज़ हो गया ना, हॉस्टल अप्लाई। अब मैं आपको खाना बता देती हूँ, खाना वाना ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत की समस्या नहीं है, आराम से कर सकते हो। अब हम आपको बताएं कि यहाँ पे खाना क्या, वो फॉर्म कब आएगा। फॉर्म जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेटेड रहना है, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी फॉर्म के बारे में। आप जब फॉर्म आएगा ना, जब आप यहाँ का फॉर्म आता है तो आपको इनके जो एड्रेस है इनके एड्रेस पे भेजना पड़ता है। एड्रेस पे फॉर्म को सबमिट, पूरा फॉर्म फिल करके, डॉक्यूमेंट अटैच करके, पूरा इनको वो जो फॉर्म का पूरा फॉर्मेट है वो इनके मेल, सॉरी एड्रेस पे मेल वो भेजना होता है, कुरियर करना होता है। ये चीज़ हो गया, मैं समझ आ गया, इसकी फ़ीस समझ आ गई। रिव्यूज़ क्या है, रिव्यू मैंने आपको बता दिया कि दोनों के लिए ठीक है, लेकिन बॉयज़ का मेस का जो खाना है वो उतना बेटर नहीं है जितना गर्ल्स का बेटर है। ठीक है, चलो ये हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कैंटीन हो गया, बैंक हो गया। बैंक है यहाँ पे, अगर आपको बैंक में यहाँ पे खुलवाना है अपना अकाउंट तो आराम से बैंक, एक कैनरा बैंक है जस्ट पास में ही, आप कैनरा बैंक में जाकर के आराम से खुलवा सकते हो, उसमें वो कुछ आपको एडवांटेज भी देते हैं। ठीक है, कैंटीन अवेलेबल है, कैंटीन का खाना ठीक ठाक है, मुझे ठीक ठाक लगा, तो मतलब सही है। अगर आप नहीं खा रहे हो तो वहाँ पे खा सकते हो, लेकिन इतना कुछ खास नहीं जितना ऐसे होता है, कैंटीन मतलब कैंटीन जैसा होता है। मेरिट लिस्ट हो गई, कट ऑफ हो गया, ओबीसी जनरल हो गया, फीस हो गया, प्रोग्राम हो गया, एमएड का हो गया, प्लेसमेंट हो गया, कैंपस आउटलाइन हो गया। कैंपस बहुत सही है, आराम से यहाँ पे अपना कैंपस में घूमो घामो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइब्रेरी हो गया, रिजर्वेशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया। ठीक, अब एक बार हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है। अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, जब आप बेटा यहाँ पे कराओगे तो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा और वो एफिडेविट कुछ ऐसा रहने वाला है, ये फॉर्मेट रहेगा। आपको ये एफिडेविट स्टूडेंट के द्वारा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आप जिम्मेदार हो उनके। अगर आपने कोई रूल्स तोड़े तो आप उन्हें ड्रैग इन करी या आपने कुछ किया तो बेटा आपको यहाँ से रेस्ट्रिकेट किया जाएगा और एफिडेविट आपके पास, आप कुछ फिर कर नहीं पाओगे यूनिवर्सिटी वालों का, तो इसलिए आप एफिडेविट दो कि भैया अगर कुछ भी करूँगा तो वो सब मेरे जिम्मे रहेगा, कुछ भी यूनिवर्सिटी के जिम्मे नहीं जाएगा। ये एफिडेविट हो गया स्टूडेंट, और यही सेम चीज़ आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हाँ भाई हमने बोल दिया अगर हमारा बेटा कुछ करेगा तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, हमारे ऊपर आएगा, आप यूनिवर्सिटी पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी ने बोल दिया थैंक यू। अब सुन लो यहां पे एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर में क्या हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द BBAU पोर्टल एंड लॉक देयर प्रेफरेंस कोर्सेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट बाय NTA। जब भी यहाँ पे लिस्ट आती है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सीट को लॉक कर लेना होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, फिर उसके बाद अपलोड करा जाता है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे एक लिस्ट। फिर यहाँ पे इन्होंने सेम चीज़ वही चीज़ बोली है कि क्या करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना यहाँ पे लॉग इन करना है। डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट फर्स्ट फेज और सबसिक्वेंट फेजेस विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय द डिपार्टमेंट एडमिशन डैक, मतलब आपको ये वेरीफाइड डिपार्टमेंट करेगा। अब वेरीफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड एज प्रोविजनल वेरीफिकेशन, आफ्टर वेरीफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स द डैक विल जनरेट चैलेंज ऑफ डिपोजिशन फीस। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको वो फीस सबमिट करने के लिए बोलेंगे, आप यहाँ पे फीस सबमिट कर दोगे तो आराम से यहाँ पे आपका जो वो है क्या बोलते हैं एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि लिस्ट विल बी डिक्लेयर कंप्राइजेस ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट एडवर्टाइज्ड इन प्रोस्पेक्टस। बेटा प्रोस्पेक्टस में जो दिया हुआ है जितनी सीट्स दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ही बेटा यहाँ पे काम होगा, ये याद रख लेना। फिर लिखा हुआ है एनी रिमेनिंग सीट आफ्टर फर्स्ट फेज शैल बी टेकन इन द कॉन्जिक्यूटिव फेजेस। फिर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वेयर चैलेंज हैज़ बीन जनरेटेड विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट से सब कुछ पता चल जाएगा। फीस आपको समर्थ पोर्टल पे पेमेंट करना है। ठीक है, यही सेम चीज़ आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे जब आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा ना,
फिर लिखा हुआ है कि आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट ओरिजिनल डैक शैल सबमिट द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट टू देयर रिस्पेक्टिव डीन ऑफ अप्रूवल. आपको फिर एक लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी कि इतने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है, अब यहाँ पे आप आ करके क्या कर सकते हो, अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो. यहाँ पे आपको नोट दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि आपको ये फॉर्मेट देना ही देना है, बाई स्टूडेंट एंड बाई पेरेंट्स दोनों का यहाँ पे फॉर्मेट देना है. एनेक्चर वन आपको यहाँ पे जो एफिडेविट है वो प्रोवाइड करना ही करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द एकेडमी सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. आपको वो करना पड़ेगा. फीस का प्रोसीजर क्या है, आपको बताया कि फीस का प्रोसीजर जब आपको वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे फीस कंप्लीट करनी है. रिजर्वेशन पॉलिसी, अभी मैंने आपको बता दिया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, किनको कितना क्या रिजर्वेशन मिलता है. यहाँ पे 5% सुपरमेसी का मिलता है स्पोर्ट कोटा के लिए, इसमें आप देख लीजिएगा फिजिकल टेस्ट वगैरह. और ज़ीरो फीस पड़ती है, यहाँ पे याद रख लेना, यूनिवर्सिटी ऑफर्स एडमिशन ऑन ज़ीरो फीस टू एलिजिबल कैंडिडेट. डैक विल हैव टू कंसीडर एडमिशन ऑन ज़ीरो फीस एज पर रिलेवेंट नोटिफिकेशन इशूड बाई यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट ग्रांटेड एडमिशन ऑन जीरो फीस विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फीस आफ्टर रिसिप्ट ऑफ फेलोशिप. आप ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे जीरो फीस पे भी एडमिशन होता है अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है. ये यहाँ पे बेटा पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना, खुद ही समझ आ जाएगा. ठीक, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आप ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर एक्टिव रहना है और कुछ नहीं. हॉस्टल मैनुअल के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हॉस्टल मैनुअल आपका क्या है और कैसे क्या आपको यहाँ पे कब क्या एडमिशन लेना है. लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन. आपको हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे जब भी ये कुछ प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा. मतलब हॉस्टल के बारे में कुछ भी प्रोवाइड करेंगे तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा. यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे क्या होगा, अलॉट हॉस्टल रूम, टेक मेजरमेंट और ये सारा सब कुछ क्लियरेंस दिया जाएगा. उसके लिए मैं आपको क्लियर करूंगी कि जब भी यहाँ कोई नोटिफिकेशन आएगा ना तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, कोई अब कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हो. कहाँ पे, ये देखो यहाँ हॉस्टल का पूरा लिखा हुआ है कि कितना रेट है, 4600 है और इसमें से आपको 2000 रुपये वापस मिल जाते हैं. क्लियर है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अब कमेंट कर देना. मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब प्रॉब्लम होनी चाहिए. अब रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पे हम ध्यान दे देते हैं. इन केस माइग्रेशन या कोई ऐसे सर्टिफिकेट नहीं, कैटेगरी तो लाना है. कैटेगरी नहीं लाओगे तो बेटा आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा. कैटेगरी लाना है. अगर आपका माइग्रेशन नहीं है, अगर आपके पास गैप नहीं है, अगर आपके पास अपीयरिंग का रिजल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आराम से कुछ नहीं कर सकते हो, आप प्रिंसिपल टाइम बोल सकते हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का आप यहाँ पे ला करके दे सकते हो. और वैसे अभी आप अप्लाई कर दो तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, चलो ये सब कुछ हो गया. और कोई कन्फ्यूज़न है ना तो आप मुझसे पूछ लेना बेझिझक. आपके पास टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आ करके पूछ सकते हो. वहाँ पर बहुत सारे बच्चे वहाँ आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं. इन केस मैं अपडेट नहीं दे पाती हूँ. और रही बात मेरी, तो मैं आपको 10 से 12 लाइव सेशन आ करके सब कुछ क्लियर करती हूँ. अब कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न रहता है ना तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. ठीक है, होप मैं कर रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. और अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा. आप थोड़ा सपोर्ट करोगे हमारा तो हम आपका पूरा सपोर्ट करने में ज़्यादा समर्थ होंगे. चलिए, थैंक यू सो मच.